नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति कला में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बैकअप बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये हम प्लेन कैसमेट के कपड़ा जो होता है उसके ऊपर तैयार किया हुआ है, जो आप देख ही रहे होंगे। सेंटर में हमने जिप लगाई है और साइडों में, दोनों साइड में इस तरीके की पॉकेट लगाई हुई है। इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बना करके आपको दिखाया हुआ है इस वीडियो में, जो आप देखोगे। तो आइए सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो दोस्तों जो आपने बैग देखा है, ये बनाने के लिए जो हमने कपड़ा लिया है, इसकी एक साइड से जो लेंथ होगी हमारी 35 होगी और दूसरी साइड से जो लेंथ होगी 30 होगी। तो 30x35 का हमने ये पीस लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें कोटिंग का काम करना होता है, जो सिलाई का काम होता है वो करना होता है। तो हमने एक ये मेन फैब्रिक लिया हुआ है, एक हमने फोम ली हुई है इस पर, एक हमने कोई भी पुराना अस्तर लिया हुआ है। कोई भी अस्तर ले सकते हो आप, हल्का या अच्छा कोई भी कपड़ा ले सकते हो नीचे लगाने के लिए। तो ये तीनों पीस में सबसे पहले हम चारों साइड में सिलाई कर लेंगे, उसके बाद इसमें निशान लगाएंगे और फिर से सिलाई का काम करेंगे। तो पहले मैं चारों साइड की सिलाई लगा लेता हूं। तो दोस्तों चारों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। तो इससे क्या होता है, हमारी ये फोम और नीचे का अस्तर ज्वाइंट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस में निशान लगाने हैं और गैप आप कम ज्यादा रख सकते हो। मैं तकरीबन यहाँ पे 3 इंच का गैप रखूंगा और इस तरीके से निशान लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम पूरे पीस पे इस तरीके से 3-3 इंच का गैप रखते हुए निशान लगाएंगे। तो दोस्तों पूरे पीस पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब हमें हर निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप देख ही रहे होंगे डब्बी वाला हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है। एक बार हमने ऐसे सिलाई लगाई है, दोबारा हमने ऐसे लगाई है और इसको चारों साइड से हमने सेट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत पीस बच जाता है, हल्का फुल्का आगे पीछे निकल जाता है। तो इसको बिल्कुल बराबर करना होता है। बराबर करने के बाद इसका जो साइज निकल करके आएगा, एक साइड से आएगा ये 33.5 इंच और एक साइड से आएगा ये 29 इंच। जो छोटी साइड होगी वो 29 इंच की, 29x33 का ये हमारा पीस तैयार हो जाता है। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। अब हमें चलना है मशीन के ऊपर और सिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से इस बैग को तैयार किया जाता है। दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिप लगानी होती है। तो जो हमारी छोटी साइड है 29 इंच वाली, उस साइड में हम जिप लगाएंगे। ये हमने जिप ली हुई है, जो बैगों में लगाई जाती है वही यहाँ पे यूज करनी है। और इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे उल्टी साइड और यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ाई वाली। अब हम यहाँ पे पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे ऊपर से और जिप की बराबर में इसको मिला लेंगे। यहाँ पे ये इतना गैप होगा लेकिन गैप नहीं रखना है, जिप की बराबर में मिलाते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जिप छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे ऐसे।
रनर जो है हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर पहले रनर डालते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है बनाने में। अब हम इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे। जिसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने जीपीए अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे रनर डालेंगे क्योंकि हमने ऊपर से सिलाई लगा ली है। तो दोस्तों रनर हमने डाल लिया है यहाँ पे कुंडा ऐसे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे। एक साइड जीप होगी, एक साइड यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी और यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट को ऐसे रखेंगे, ये जिप के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ऐसे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, ये सेंटर पॉइंट है जिसमें हमने कट लगाया है। यहाँ पे हम जिप को ऐसे रखते हैं और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से आधा इंच चौड़ाई वाली। इस सिलाई को इस साइड में उतार देंगे। अब हम इस साइड की सिलाई लगाएंगे, तो इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे भी इसको सेंटर पॉइंट में जो हमारा सेंटर है कट लगाया हुआ है, ये मिलाएंगे ऐसे। तो दोस्तों दोनों साइड में हमने ये सिलाई लगा ली है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अब दोस्तों हमें एक पीस लेना है, ये हम किसी कागज का ले सकते हैं, बुकरम का ले सकते हैं। इसकी जो इसका जो साइज होना चाहिए 3.5x3.5 का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये 3.5 इंच का पीस लिया हुआ है इस तरीके से डब्बी। इस डब्बी को हम यहाँ पे इस सिलाई के साथ और इस साइड में मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेम यही निशान हमें इस साइड में लगाना है। ये मैंने इसीलिए फर्मा कटिंग किया है ताकि
आपको मैं समझा भी सकूं और बराबर हमारे चारों साइड में निशान लग जाएं ऐसे। तो दो साइड में निशान लगा लिए हैं हमने। अब हमारी बाकी दो साइड हैं, ये वाली और ये वाली, इनमें भी हम निशान कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इनके ऊपर हमें कटिंग करनी है। ऐसे ही हम साइड में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें जो स्टिचिंग करनी है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ये अपने आप बिल्कुल सेट आ जाएगा, ऐसे करनी होती है। जो ये कट है ये फिलहाल ऐसे है, लेकिन जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ओके ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम आधा इसकी सिलाई लगाते हुए स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से इधर भी। ये हमने सिलाई लगा ली है, ये एक साइड की सिलाई है क्योंकि दो बॉक्स में हमने नई सिलाई लगाई है। अब ये बाकी दो बोन हमने और कटिंग किए हैं, इनमें भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बैग की शेप हमारी पूरी प्रॉपर तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें हैंडल लगाने हैं और पॉकेट लगानी है। इसको पहले मैं आपको सीधा करके दिखाता हूं। तो दोस्तों हमने ये सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसकी जो शेप आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। बाद में मैं आपको इसमें कुछ डाल के दिखाऊंगा सामान, पूरा ये बॉक्स टाइप बन जाता है ऐसे, इस तरीके से बहुत प्यारी सी इसकी शेप आती है। अब हमें यहाँ पे इस नोक से इस नोक पे यहाँ पे ये इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। ये निशान हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें पॉकेट और जो इसमें तनी लगाते हैं ऊपर वो किस पॉइंट तक लगानी होती है। जैसे ये वाली सिलाई है हमारी, ये जिप के साथ में यहाँ पे ऐसे, इसका जो फोल्ड होगा वो ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी हम ऐसे हल्के से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने का यही फायदा होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारा कितना फोल्ड रहेगा ऊपर। अगर हम जैसे बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट बनाई हुई है, हम बेल्ट इस पॉइंट से यहाँ तक लगा सकते हैं ऐसे, यहाँ तक हम स्टिच कर सकते हैं। अगर हम आगे की साइड स्टिच कर देंगे यहाँ पे, तो जब हम इसको उठाएंगे तो इसका शेप खराब हो जाएगी और इसमें इतना हम सामान भी नहीं डाल सकते। ये बेल्ट हमें सिर्फ इस पॉइंट तक ही अटैच करनी होती है और नीचे भी हमें इस पॉइंट तक अटैच करनी होती है। और बी सेंटर में लगाएंगे हम जेब, तो यहाँ पे भी हम नीचे की साइड निशान लगा लेते हैं ऐसे, सेम इसी तरीके से।
इस साइड में। ये हमने बेल्ट बनाई हुई है ऊपर की तनिया, इनकी जो लेंथ है मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे जो लेंथ होगी इनकी हमारी दो तनी है और 32.5 इंच की ये तैयार है पट्टियां। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। सेंटर बनाने के लिए हमने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोनों पॉइंट ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे देखेंगे हम तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा ऐसे। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी सेंटर पॉइंट बनाएंगे। ये चीज होती है यहां पे हमें लगानी है पॉकेट, तो ये पॉकेट हम इस निशान से इस निशान तक लगा सकते हैं, ऊपर तक नहीं लगाएंगे और नीचे तक भी नहीं लगाएंगे। और यहां पे इस पॉकेट को रख के देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगी, ये नीचे से हम करेंगे स्टिच और साइडों में लग जाएगी यहाँ पे बेल्ट ऐसे, उस बेल्ट को भी हम यहाँ तक स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटी जिप लगा लेंगे पॉकेट में ताकि हमें आसानी रहे। ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, एक पट्टी लेंगे और ऊपर भी अटैच कर लेंगे ऐसे। सिलाई लगा लेंगे, और यहां से इतना हमें काफी रहेगा फोल्ड के लिए। अब हम पॉकेट का साइज यहां पे निकाल लेते हैं, इसको सबसे पहले सीधा करेंगे। और यहां पे जो सेंटर पॉइंट है हम इसका भी सेंटर पॉइंट बनाएंगे पॉकेट का भी, ये है हमारी 7 इंच की, तो 7 इंच की ये ज्यादा लग रही है, इसको हम 6 इंच की कर लेते हैं। ये मैंने 6.5 इंच की कर ली है, इसका हम सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। और इसका सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इस निशान पे हमें ये ऐसे रखनी है इस तरीके से, और नीचे का जो है ये हमें यहाँ पे फोल्ड करना होता है ऐसे, इस तरीके से हमें ये पॉकेट अपनी अटैच करनी है। अगर आपको मार्जिन यहाँ पे ज्यादा लगता हो तो थोड़ा कटिंग कर ले।
जीप आपस में जोड़ लेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। नीचे से हमें ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। पॉकेट अपनी लगा ली है, ऐसे रहेगी। अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट लगाने का भी मैं आपको सही तरीका यही बताऊंगा। आपने इस तरीके से रखनी है बेल्ट को यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मार्जिन आप जितना लेना चाहें इस पॉकेट में ले सकते हैं। ऐसे दबनी चाहिए, तकरीबन आधा आधा इंच यहाँ पे दबनी चाहिए और यहाँ पे ऐसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जहां तक हमारी ऊपर पॉकेट होती है यहीं तक हमें इसको ऐसे दबानी होती है। अब हम इस साइड लेके आएंगे सिलाई को और यहां पे पक्का करना है, यहां पे पक्का करना जरूरी होता है। एक साइड में हमने ये तनी लगा ली है, अब सेम इसी तरीके से हम इस साइड में भी ये तनी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मार्जिन आपने यहाँ पे बराबर रखना है और ये हमारी पॉकेट लग जाएगी यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में। तो दोस्तों हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पे ये अपनी तनी लगा ली है और यहाँ पे पॉकेट हमारी तैयार हो जाती है और बेल्ट तैयार हो जाती है। अब हमने सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी यहाँ पे पॉकेट लगानी है सेंटर पॉइंट में। ये मैंने पॉकेट बनाई हुई है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जैसे मैंने इस साइड में की है। तरीका सेम होता है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे और जो हमारी दूसरी बेल्ट है, दूसरी तनी है, ये हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। अब ये पूरा पीस मैं तैयार करके आपको फिर दिखाऊंगा कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे सेव आती है। तो दोस्तों बैक कर लिया है हमने तैयार और मैंने थोड़ा से यहाँ पे कपड़े डाले हैं जो वेस्टेज कपड़े होते हैं और आप देख ही रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे बैक बना करके आपको दिखाया है। इसमें दोनों साइड में हमने पॉकेट लगाई है, ये वाली पॉकेट होगी इस तरीके से, ये पॉकेट होगी और सेंटर जिप होगी। यहाँ पे जिप हमारी नीचे तक आएगी, इस पॉइंट तक आएगी नीचे तक, ताकि हम इसमें काफी सामान डाल सके और ये खुला हो। इतनी बड़ी चीज है, आराम से इसमें आसानी से डाल सकते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड में जिप है और तनिया हमने इसी हिसाब से लगाई हैं जैसे चलते हुए हमारा ये बैग नीचे ना लटके बिल्कुल प्रॉपर शेप में यहाँ पे ये तनिया आएगी इस तरीके से। तो दोस्तों हमने प्लेन कपड़े के साथ में ये तैयार किया है, जैसे प्लेन कपड़ा होता है उसके बाद हमने फॉर्म लगाई है और नीचे भी अस्तर लगाया है और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे ये डब्बी वाला डिजाइन भी बना करके ये बैग हमने तैयार किया है। दोस्तों ये किसी भी तरीके से आप ट्रेवल में यूज कर सकते हो और ये काफी मजबूत होता है, बहुत मजबूत बैग होता है, इसमें कोई फटने की या कुछ भी निकलने की दिक्कत नहीं होती और इसको बनाने का आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। ये घर में आप पुराने कपड़ों में से भी तैयार कर सकते हैं या टोटल इसमें जैसे कि 1 मीटर के आसपास कपड़ा लगता है, 1 मीटर कपड़े में ये काफी खुला हमारा बैग तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें।
धन्यवाद दोस्तों।